चोलिस्तान जी प्रैली में सी और डी कैटेगरी के मुकाबले। डी कैटेगरी में शकील अहमद परचंडी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। उमर इकबाल कांजू ने दूसरी पोजीशन हासिल की। जफर बलोच और सराज बलोच ने तीसरी नंबर पर रहे। सी कैटेगरी में जहीर हुसैन शाह ने पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद होत ने दूसरी और फलक शेर खान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बी कैटेगरी में जमाल कमाल और चौधरी खुरम ने पहली पोजीशन हासिल की। असद शादी खेल ने दूसरी जबकि शहरयार शादी खेल ने हशाम खाकवानी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चोलिस्तान जी प्रैली में खवातीन कैटेगरी के मुकाबले। माहम फेरोज ने रेस में पहली पोजीशन हासिल की। राशिदा सुल्तान दूसरे और उमे रुबाब तीसरे नंबर पर रहीं। 18वीं चोलिस्तान जी प्रैली खवातीन रेसर्स ने भी मर्दों के शाना बशाना हिस्सा लिया। खवातीन कैटेगरी में रेसर्स ने मसाल कायम कर दी। दीना पटेल ने अपने वालिद के साथ रेस में हिस्सा लिया। रुबाब फातिमा ने बहन और राशिदा सुल्तान ने शोहर के साथ रेस में शिरकत की। दीना पटेल का कहना था, बतौर ड्राइवर वालिद के साथ फख्र महसूस कर रही हूं। राशिदा सुल्तान ने कहा कि खवातीन को हर मैदान में सपोर्ट किया जाना चाहिए। चोलिस्तान जीप रैली में डर्ट बाइक रेस 250 और 450 सीसी कैटेगरी के मुकाबले। 250 सीसी कैटेगरी में जैनुल अब्दीन ने पहली पोजीशन हासिल की। वहीद जफर दूसरे, अफजल मुकीत तीसरे नंबर पर रहे। 450 सीसी कैटेगरी में साकिब शाह ने मैदान मार लिया। मोहम्मद आदिल ने दूसरी और सकीम सोहेल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अठारहवीं चोलिस्तान जीप रैली मेला ट्रेड फेयर में बहावलपुर चैंबर की जानिब से चोलिस्तान की नुमाइंदगी। सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स जुल्फकार अली मान की रोही से गुफ्तगु। जीप रैली मेले ने चोलिस्तान की सकाफत और तहजीब से रोशनास कराया। सहरा को जैतून वैली बनाने का तहैया कर रखा है। ट्रेड फेयर की इख्तितामी तकरीब से वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने खिताब किया। कहा कि चोलिस्तान का जैतून एक दिन दुनिया भर में पहुंचेगा। चोलिस्तानी सकाफत सयाहों के दिल को भा गई। सयाहों की बड़ी तादाद ने रोही मेले का रुख कर लिया। सकाफती स्टॉल्स पर शहरियों का रश। खवातीन और मर्द सभी खरीदारी करते नजर आए। चोलिस्तानी चुनरी तालबात की तवज्जो का महवर बनी रही। आने वाली फैमिलीज का कहना था कि हर साल बेचैनी से जीप रैली का इंतजार करते हैं। और दरिया खान में खातून ने चार बच्चों को जन्म दे दिया। डॉक्टरों का कहना था कि चारों बच्चे और मां सेहतमंद हैं। बच्चों में एक बेटा जबकि तीन बेटियां हैं। मोहम्मद कालदा मोहल्ला से आमाला की रहायशी है।